एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच उसके बॉडी से भी ज्यादा बड़ी है और बटरफ्लाइज को असल में बटरफ्लाइज नहीं कहते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि व्हाइट हाउस असल में कितना सेफ होता है? ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 30, दोस्तों आपने अक्सर किस्से और कहानियों में तो सुना ही होगा कि पशु पक्षियों को सुनामी और भूकंप जैसे खतरे के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फ्लाई इंसेक्ट ऐसा भी है जो भूकंप के समय चाहकर भी नहीं उड़ सकता? जी हाँ, मॉथ्स नाम के ये जीव अर्थक्वेक के दौरान बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ये उड़ने के लिए अपना शरीर घुमाते हैं, भूकंप की वजह से उसका दिमाग ये समझ नहीं पाता कि उसे किस डायरेक्शन में और कैसे उड़ना है। नंबर 29, चाय आजकल इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, फिर चाहे वो ग्रीन टी हो या येलो टी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी वैरायटीज एक ही पौधे की देन है? जी हाँ दोस्तों, कैमेलिया सिनेंसिस नाम के इस प्लांट की लीव से ही ग्रीन टी, येलो टी और ब्लैक टी मिलती है। हालांकि दोनों तरह के चाय में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स अलग अलग होते हैं। नंबर 28, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हीरा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और कीमती स्टोन माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी राग से भी डायमंड बनाया जा सकता है? दरअसल अमेरिका के एक रिसर्च में पता चला है कि जिस कार्बन सब्सटेंस का हीरा बना होता है, इंसानी राग भी उसी से बना होता है। नंबर 27, दोस्तों आपने आसमान से बर्फ यानी ओले गिरते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस धरती पर आज तक का सबसे बड़ा हिलस्टोन यानी बर्फ का टुकड़ा कितना बड़ा है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि साल 2010 में अमेरिका के साउथ डकोटा में एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा जो कि 8 इंच तक का बड़ा था, जानकारों के मुताबिक ये ओला एक बास्केटबॉल से भी ज्यादा बड़ा था। नंबर 26, दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इंडिया पूरी दुनिया में चौथी ऐसी कंट्री है जहां आए दिन रियल रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। अगर ये ऐसा इंडिया में चलता रहा तो इस देश का क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 25, ये फैक्ट बहुत ही कम ही लोगों को पता होगा कि एक चींटी के पास दो पेट यानी स्टमक होते हैं, जो एक अपने लिए दूसरा अपने साथी के लिए। अगर एक एंट भूखी है तो दूसरी उसके लिए खाना स्टोर करके लाएगी और बाद में उसे ट्रांसफर भी करेगी, है ना ये अमेजिंग। नंबर 24, क्या आपने कभी ऐसी आइसक्रीम खाई है जो एक हॉर्स के मीट से बनी है? जी हाँ, जापान में घोड़े की मीट से बनी आइसक्रीम को बड़े ही चाव से खाया जाता है। वहाँ के लोग इस आइसक्रीम को बाशी आइसक्रीम कहते हैं। क्या आप इस आइसक्रीम को खाना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 23, क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से पानी पी सकता है? ये है थॉर्नी ड्रैगन। ज्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाने वाले जब इस जानवर पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि इसके शरीर में ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिससे ये शरीर के किसी भी अंग से पानी पी सकता है। नंबर 22, उत्तर प्रदेश के जैनपुर जिले का एक छोटा सा गाँव जिसका नाम है माधवपट्टी। हैरानी की बात तो ये है कि इस गाँव को भारत का सबसे पढ़ा लिखा गाँव भी कहा जाने लगा है। इसकी वजह भी बहुत सिंपल है। ऑन रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक इस गाँव से 50 से ज्यादा IAS, IPS, IFS और सिविल सर्विस के कई बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं। नंबर 21, आपने सर्च ऑपरेशन के बारे में तो सुना ही होगा, वही सर्च ऑपरेशन जिसे ज्यादातर मिलिटेंट या किसी फेमस पर्सनालिटी के गुम होने पर चलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कब और किसे ढूंढने के लिए चलाया गया था? अगर नहीं तो आज जान लीजिए कि दरअसल साल 1967 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल शेवियट बीच पर स्विमिंग करते हुए किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया की आर्मी, ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ साथ कई लोकल वॉलेंटियर उनकी खोज में सर्च ऑपरेशन करते रहे उन्हें ढूंढने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की तीनों फोर्सेस से कई लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बाद में उन्हें मृत घोषित किया गया और इसी सर्च ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कहा जाने लगा। नंबर 20, अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो आपने टाइटैनिक के चीफ क्रू ऑफिसर विलियम मॉडॉक के कैरेक्टर को तो जरूर नोटिस किया होगा, जिसकी वजह से सारा मंजर ही बदल जाता है। दरअसल फिल्म में विलियम मॉडॉक को सुसाइड करते हुए दिखाया गया, जबकि रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। रियल में बाकी लोगों की तरह वो भी अटलांटिक ओशन में डूब गए थे। नंबर 19, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमिंग बर्ड इस दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, लेकिन इसी स्पीसीज के स्वॉर्ड बिलीड नाम की इस हमिंग बर्ड की चोंच 4 इंच तक लंबी होती है, जो कि इसकी बॉडी से भी ज्यादा बड़ा है। नंबर 18, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आज हम जिस इंसेक्ट को बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं उसे सबसे पहले फ्लटरफ्लाइज कहा जाता था। ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक बटरफ्लाई का असली वर्ड फ्लटरफ्लाइज है। नंबर 17, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने ईबे के बारे में तो जरूर सुना होगा, ये एक ऐसी वेबसाइट
वेबसाइट है जहां लोग सामान बेचते और खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक इंसान ने ईबे पर बेचने के लिए देश डाल दिया था? जी हाँ, साल 2006 में आइजैक बटरफील्ड नाम का एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन ने ईबे पर न्यूजीलैंड देश को बेचने की बोली लगा दी थी। ये बोली $3,000 तक पहुँच गई थी, जिसके बाद ईबे के अधिकारियों ने जल्द से जल्द इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था और आइजैक बटरफील्ड पर पेनाल्टी चार्ज भी लगा था। नंबर 16, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर स्टेट हर देश की अपनी अलग भाषा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आउटर स्पेस की लैंग्वेज कौन सी है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि रशियन लैंग्वेज आउटर स्पेस की लैंग्वेज कहा गया है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितने भी लोग होते हैं वो ज्यादातर रशिया से ही होते हैं। उनके स्क्वाड्स के कंट्रोल और ट्रेनिंग भी वहीं पर होती है, जिसके चलते ISS के ज्यादातर लोगों की कॉमन लैंग्वेज रशियन ही है। इसलिए अगर आप में से किसी को स्पेस में बात करनी है तो आपको रशियन लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। नंबर 15, दोस्तों आपने हॉलीवुड की हिट मूवी गॉडज़िला तो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ड्रैगन गॉडज़िला के नाम पर ये पूरी फिल्म बनी थी, उस गॉडज़िला का पूरी फिल्म में सिर्फ 8 मिनट का रोल था। नंबर 14, ये फैक्ट बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग है। थाईलैंड में अगर कोई ऑफिसर किसी के साथ बदतमीजी यानी मिसबिहेव करता है तो उसे पेनल्टी के तौर पर अपने आर्म पर हेलो किटी नाम का ये बैंड पहनना होगा। आपको बता दूं, इस बैंड का मतलब बैंड ऑफ शेम होता है। क्या लगता है आपको इंडिया में ऐसा होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 12, ये फैक्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि वर्ल्ड में जितने भी लोग डेट पर जाने के लिए डेटिंग एड्स या ऐप को यूज करते हैं, उसमें 35% लोग पहले से ही शादीशुदा यानी कि मैरिड होते हैं। इसलिए बाबा ऐसे चक्करों में जरा बच कर रहना। नंबर 11, ये फैक्ट थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। इंग्लैंड के समुद्रों के किनारे की पहले 5 किलोमीटर की जमीन वहां की ओशन की मानी जाती है, यानी उस 5 किलोमीटर में जितने भी मछलियां होती हैं उस पर सिर्फ वहां की रानी का ही हक होता है। और अगर कोई इंसान रानी की जमीन से कोई भी मछली पकड़ता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। नंबर 10, जितनी स्पीड से धरती पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी बात का अंदाजा लगाते हुए आज से लगभग 100 साल पहले यानी कि 1920 में न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए एलिवेटर पार्किंग का तरीका निकाला था, जिसके चलते बहुत सारी जगह बच जाती थी। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी धरती पर कहीं भी काले रंग का फूल नहीं होता? अब आप कहेंगे कि आपने तो बहुत सारे डार्क फ्लावर्स देखे हैं। दरअसल फूलों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस धरती पर काले रंग के फूल होते ही नहीं है। जो भी डार्क फ्लावर्स होते हैं वो तो डार्क पर्पल शेड के होते हैं या फिर डार्क रेड की। नंबर 8, ये घटना है साल 2009 की। दरअसल हुआ ये था कि मेक्सिको के एंटी किडनैपर एक्सपर्ट ने एक लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मेक्सिको में किस तरह से आप खुद को किडनैप होने से बचा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि उस लेक्चर के कुछ दिन बाद ही वो एंटी किडनैपर एक्सपर्ट खुद किडनैप हो गया। इसे कहते हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, है ना अमेजिंग। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 86% लोग ऐसे हैं जो अपने USB केबल को प्लग में सबसे पहले उल्टा डालते हैं, उसके बाद सीधा। नंबर 6, दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि छोटे बच्चों के दांत 1 से 2 महीने बाद निकलना शुरू होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैदा होते ही अपने इस 1 से 2 दांत के साथ होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हर 2000 बच्चों में से एक बच्चा दांत के साथ पैदा होता है। बच्चों के इस दांत को नेटल टीथ कहा जाता है। नंबर 5, जानवरों के बारे में ये फैक्ट बड़ा ही अजीब सा है। दरअसल एनिमल स्टडीज में ये बात सामने आई है कि डोंकी यानी कि गधे की आंखों की बनावट ऐसे परफेक्ट जगह पर होती है कि वो हर समय अपने चारों टांगों को एक साथ देख सकता है। नंबर 4, ये घटना है साल 2017 की। दरअसल हुआ ये था कि कोलोराडो के एक स्टोर में गलती से एक हिरण आ गया था। इसके बाद उसे वहाँ से निकालने के लिए वहाँ के एम्प्लॉय ने उसे कुछ पीनट्स दिए और वहाँ से चलता किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि अगले दिन वह हिरण उसी स्टोर पर अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गया था। इतनी अफसोस की बात है। दरअसल जंगल इतनी तेजी से कट रहे हैं कि बेचारे जानवर को अपना खाना ढूंढने के लिए मजबूरन शहरों में आना पड़ता है। नंबर 3, ये फैक्ट बहुत ही काम का है, इसलिए इसे जरा ध्यान से सुनना। डिप्रेशन से बचने के लिए साइंटिस्ट द्वारा जो सबसे उम्दा तरीका है उनमें से एक है जिम में एक्सरसाइज करना और दूसरा पालतू जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना। इसलिए अगर आपको अपना दिमाग डिप्रेशन से दूर और मजबूत रखना है तो कम से कम आपको एक पालतू जानवर तो जरूर रखना चाहिए। नंबर 2, आप लोगों ने बहुत सारे अर्थवर्म्स देखे होंगे जो कि बारिशों के मौसम में सबसे ज्यादा निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थवर्म कितना लंबा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ये
अर्थवर्म दुनिया का सबसे लंबा अर्थवर्म है जिसकी लंबाई 22 फीट तक नापी गई है। नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सेफ बिल्डिंग कौन सी है? अगर नहीं तो जान लीजिए, दुनिया की सबसे सेफ बिल्डिंग है अमेरिका का व्हाइट हाउस। जी हाँ दोस्तों, देखने में ये बिल्डिंग जितनी सुंदर है उतनी ही सेफ भी है। इसकी सारी खिड़कियाँ हाईली बुलेट प्रूफ मिरर से बनी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हर जगह इंफ्रारेड रेज लगी हुई है और अगर कोई हैकर इसे अपनी हैकिंग से बंद भी कर देता है तो इसके बंद होते ही पूरे बिल्डिंग में एक इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगेगा। इसके अंदर बहुत से ऐसे बंकर बने हुए हैं जो न्यूक्लियर अटैक का हमला भी बहुत आसानी से सह सकते हैं। ये तो हो गई इसकी जमीनी सिक्योरिटी, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि 9/11 के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई है कि अब इसके ऊपर नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया है। अगर कोई प्लेन जबरदस्ती इसके ऊपर उड़ने की कोशिश करता है तो उसे व्हाइट हाउस तक पहुँचने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।